हेलो बच्चों, तो टारगेट बैच के टेस्ट में बेटा देखिए। हाँ, G1, G2, G3, G4, G5 सारे बैच। हाँ, सबका टेस्ट बेटा, एक टेस्ट। तो क्लास 12th में आपका चैप्टर 1 शुरू हो चुका है। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बेटा इस समय हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पे हैं। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा अगले साल आप लोगों को भी भाई कॉलेज इसी तरह से मिले, आप लोग भी भाई इस पेज पे हों, दिखाएं जैसे यहाँ पे है। तो इसके लिए मेहनत करते रहिए और वह दिन दूर नहीं भैया, आप लोग भी नेक्स्ट ईयर के, हाँ भैया, पेज कवर पे या कवर के पेज पे आप लोग आएंगे, पेज कवर पे मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ, ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ थ्री स्मॉल यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ए बी एंड सी। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ये देखिए, ए दिया है, बी दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, सी। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑफ द स्फीयर आर पॉजिटिवली चार्ज, विच स्फीयर इफ एनी कुड बी निगेटिवली चार्ज। इनमें से कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना भाई। तो देखो एरो क्या है, ये ऐसे फोर्स बता रहा था, इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स होगा। इसमें कैसा फोर्स होगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बता रहा है। तो ये जब रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसका मतलब पक्का है कि ये दोनों क्या हो गए हैं, ठीक है आपके। हाँ, तो एक पे पूछा है, तो ये बताइए, अब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से पक्का है कि ये दोनों प्लस प्लस होंगे और ये माइनस होगा। हाँ, माइनस माइनस अगर हम इनको करेंगे तो इनमें फिर रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। हाँ देखिए, अगर मान लो माइनस माइनस करते हैं, जैसे तुम्हारे अंदर ये आएगा कि सर माइनस माइनस है तो रिपल्सिव कर देंगे, तो लेकिन इस माइनस के साथ फिर रिपल्सिव हो जाएगा, तो ये अट्रैक्टिव तभी होगा। तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस तरह से अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, स्फीयर ए एटलीस्ट टू ऑफ द स्फीयर आर पॉजिटिवली चार्ज, विच स्फीयर इफ एनी कुड बी निगेटिवली चार्ज। स्फीयर ए, इफ टू बॉडीज आर रब्ड एंड वन ऑफ देम एक्वायर Q1 चार्ज एंड अनादर चार्ज Q2 चार्ज, देन रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 का रेशियो कितना हो जाएगा भैया। तो अब ये बताइए, आप जानते हैं कि अगर हम रब कर रहे हैं तो जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही दूसरे पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। जितना आप पे Q1 चार्ज आता है उतना दूसरे पे क्या आता है, हाँ माइनस Q2 चार्ज आता है। क्यों भैया, जितना इस पे प्लस आएगा उतना ही दूसरे पे माइनस, भाई जो एक्सेस वहाँ समान चार्ज आते हैं, मतलब ये जितना प्लस रहेगा उतना ही इस पे माइनस आएगा। जब रब करेंगे तो जो, ठीक है, एक्स्ट्रा लूज बाउंड चार्ज होते हैं वो आपके एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एक पे जितना प्लस आता है उतना एक पे माइनस आता है, तो इसका मतलब रेशियो कितना होगा, -1:1 होगा, -1:2। ये मत देखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, ये 2 का सी है। तीसरा देखना, द चार्ज ऑन द टू स्फीयर +7 and -5 microcoulomb। हाँ, -7 and -5 दे एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इफ ईच ऑफ देम इज गिवन टू एडिशनल चार्ज। तो चलिए, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 7 into -5 अपॉन कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब कह रहा उस पर -2 microcoulomb एडिशनल चार्ज दे रहे हैं। हाँ, -2 microcoulomb क्या दे रहे हैं, एडिशनल चार्ज। ये देखिए एडिशनल चार्ज, तो -2 microcoulomb अगर एडिशनल चार्ज दे देंगे तो फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 7 में से अब देखो 2 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, आ इसमें 2 ऐड हो जाएगा, मतलब -7 आ जाएगा। तो इसका मतलब देख रहे हो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क, मैग्नीट्यूड क्या है, ये 7 5 35 7 5 35, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश, मतलब इसका ए वाला है, कौन सा है, हाँ ए है, ठीक है, थर्ड का ए। फोर्थ देखिए क्या कर रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, 30 सेंटीमीटर सेपरेशन, ध्यान देना 30 सेंटीमीटर सेपरेशन पे है, मतलब एक चार्ज Q1 है, ये देखो एक चार्ज Q1 दिया है और एक चार्ज Q2 दिया है, ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पे हैं, कितने पे हैं, ठीक है। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, एफ इक्वल टू 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻¹। Q1 Q2 कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻¹⁷ और 3 × 10⁻¹⁷।
अपॉन आर का स्क्वायर, अपॉन आर का स्क्वायर का मतलब 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब 30 × 10^-2 का होल स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू दी गई है, सब रख दीजिए, सब रख देंगे ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसान से कर सकते हैं। 3×2 = 6, मतलब 6 वाला आएगा ये, 6 × 10^-3, हाँ मतलब यहाँ 4 का बी है, हाँ बी है ये। 5 देखते हैं, देखिए 5 कह रहा 3 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये देखिए 3 चार्ज पार्टिकल हैं प्लेस्ड हैं हाँ स्ट्रेट लाइन पे, Q1 Q2 यहाँ पे फिक्स्ड हैं, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम Q1 Q2 चार्ज Q3 इज इन इक्विलिब्रियम, Q3 किसमें है, इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच का हाँ रिलेशन क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच का रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 और Q2 के बीच का यहाँ पे हाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो Q3 पे फोर्स 0 है, तो ये देखिए सबसे पहले इसके कारण इस पे फोर्स लगा दीजिए, तो इसके कारण इस पे फोर्स कितना हो जाएगा F1, ठीक है भाई, F1 कितना हो जाएगा अभी लिख रहे हैं, इसके कारण इस पे फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। अब देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, हाँ तो देख लो F1 कितना हो जाएगा, पहले F1 कितना हो जाएगा देख लो, F1 जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, देखो F1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q3 / X X2 X यानी 4X2। फिर इसके कारण कितना हो जाएगा F2 कितना हो जाएगा, ये देखो F2 इक्वल टू हो जाएगा K Q2 Q3 / क्या हो जाएगा X2। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा F1 + F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, F1 + F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाँ 0, या K Q1 Q3 / 4X2 अब प्लस K Q2 Q3 / X2 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या Q3 / X2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा भैया, ये देखिए Q1/4 बचेगा और प्लस Q2 = क्या बचेगा 0, ये देखिए सारा इधर जो प्रोडक्ट है इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जब सारा इधर आके 0 हो जाएगा तो इसका मतलब Q1/4 = -Q2 या Q1 = क्या हो जाएगा -4 Q2। बोलो भाई सही है कि गलत है, मतलब Q1 = क्या हो गया -4 Q2, सही है ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। 5 के बाद छठवें क्वेश्चन भी चलते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट पे है, मूव थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितने समय तक T1, मास प्रोटॉन का MP है वो भी रेस्ट पे है, T2 समय तक मूव कर रहा है, समान डिस्टेंस तय कर रहा है, नेगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी T2/T1 पूछ रहा है। तो ये देखो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पहले कौन चल रहा है, पहले देखो पहले चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस चलेगा रेस्ट से, 0 + ½ EE / mE T1 का स्क्वायर। प्रोटॉन कितना डिस्टेंस चल रहा है, SP = 0 + ½ EE / MP T2 का स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि ये समान डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है समान डिस्टेंस तय कर रहा है, ½ EE / mE T1 का स्क्वायर, ½ EE / mP T2 का स्क्वायर, और E/2 यानी ये T1/T2 = √ MP / MP है, T1/T2 = √ MP / MP है, T1/T2 = √ MP / MP है, मतलब T1/T2 का रेशियो जो है √ ME/MP होगा, तो हमको T2/T1 निकालना है, तो T2/T1 MP / ME हो जाएगा, हाँ तो इसका मतलब सी वाला है, कौन सा है हाँ सी वाला, ध्यान देना ठीक, एक एक बातें ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है 7 क्वेश्चन में, 2 pith ball हैविंग चार्ज 3Q एंड 2Q, ये देखो 2 pith ball है चार्ज 3Q और 2Q है, एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम वाट वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू सेकेंड बॉल फोर्स बिटवीन बॉल बिकम मैक्सिमम, देखिए ए 2 pith ball हैविंग चार्ज 3Q और 2Q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, फॉर वाट वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू सेकेंड बॉल फोर्स बिटवीन बॉल बिकम मैक्सिमम, कितना ट्रांसफर हो जाए, ठीक है कितना ट्रांसफर हो जाए, तो अब देख लो इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि मतलब कितना इसमें बारी बारी से, या तो सारे ऑप्शन को चेक करिए
ठीक है, थ्री क्यू और टू क्यू हैं। बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करिए और देखिए कितना होने पे, ठीक है, मतलब एक बार क्यू बाई टू ट्रांसफर करके देखिए, एक बार फाइव क्यू बाई टू ट्रांसफर करके देखिए, एक बार सेवन क्यू ट्रांसफर करके देखिए, एक बार क्यू देखिए किसमें चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, जिसमें चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसमें। हाँ तो चलिए अब इसको जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं क्या पहला ऑप्शन से ही आ जा रहा है। तो पहले देख लीजिए ये थ्री क्यू है, क्या है ये थ्री क्यू है और ये कितना है ये टू क्यू है। तो एक बात याद रखिए, अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे q बाई टू ट्रांसफर करेंगे तो थ्री बाई क्यू में से q बाई टू अगर निकलेगा, मतलब यहाँ से अगर q बाई टू निकलेगा तो यहाँ q बाई टू प्लस होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, छः में से एक गया फाइव क्यू बाई टू आएगा और एक पे कितना आएगा ये देखो कितना आ जाएगा, दो दो चार, ये भी फाइव क्यू बाई टू आएगा। अभी देखा जाएगा प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें बारी बारी से अब इसका एक ही विकल्प है, बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करें या तो एक्स की वैल्यू मान के फिर डिफ्रेंशिएट करके देखें। अब यहाँ से देखिए इसमें से ये देखिए थ्री क्यू में से जरा फाइव क्यू बाई टू को निकालें, तो यहाँ थ्री बाई यहाँ टू क्यू प्लस फाइव क्यू बाई टू यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छः में से ये देखिए छः में से पाँच जाएगा तो ये कितना बचेगा क्यू बाई टू, और यहाँ चार पाँच ये क्या होगा टू क्यू प्लस फाइव क्यू बाई टू, ये क्या हो जाएगा नाइन क्यू बाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, चार में नाइन क्यू बाई टू हो जाएगा। इसका चार प्रोडक्ट करते हैं, ये देखिए पच्चीस क्यू स्क्वायर बाई चार हो गया और ये कितना हो गया नाइन क्यू स्क्वायर बाई कितना हो गया फोर हो गया, ठीक है ना भैया। तो ये देखिए चार दुनिया ठीक है, छः ये वाला ज़्यादा जा रहा है। फिर इसमें से ज़रा ट्रांसफ़र करते हैं, ज़रा देखते हैं थ्री क्यू में से सेवन क्यू, तो थ्री क्यू में से सेवन क्यू तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, ये देखो क्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्यू को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ इसमें टू क्यू प्लस क्यू, तो ये देखिए थ्री क्यू में से टू क्यू को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्यू को ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो जाएगा टू क्यू इंटू थ्री क्यू और ये कितना हो जाएगा सिक्स क्यू स्क्वायर। अब देखो ये बेटा सिक्स से ज़्यादा आ रहा है, आइए सिक्स क्यू स्क्वायर आ रहा है, देखिए ये वाला ट्वेंटी फाइव में अगर फोर से डिवाइड करेंगे सिक्स से ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब आंसर इसका कौन सा होगा क्यू बाई टू वाला होगा, यानी क्यू बाई टू अगर एक से इस पर ट्रांसफर कर दें तो दोनों के बीच का फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी में चार्ज का प्रोडक्ट क्या है ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब आइए आठवें में चलते हैं, आठवां क्या कर रहा है बेटा, टू पॉइंट चार्ज क्यू वन क्यू टू आर प्लस ए टेन पावर एट माइनस एट टेन पावर माइनस एट रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट, ये देखिए एक दूसरे से 0.1 मीटर अपार्ट, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड सी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा ए और सी पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए और सी पे आपको रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये देखिए प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, प्लस चार्ज के कारण, ठीक है, और माइनस चार्ज के कारण इसको आप आर बाई टू डिस्टेंस मान लें तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसको आप क्या कर लें आर डिस्टेंस मान लें, क्या मान लें आर डिस्टेंस मान लें। तो ये देखिए प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर, तो जरा ये देखें एक प्लस चार्ज है, सब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ तो आप बस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो ये देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ए पे, ये देखिए इसके कारण कितनी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये फोर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फोर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार चार आठ, आठ के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हो गया इसके कारण जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, क्यों भैया सही है, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा टूअर्स, ये देखिए 60 डिग्री है ये 120 डिग्री है, मैग्नीट्यूड में सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और ईसी इक्वल टू कितना हो जाएगी, ईसी इक्वल टू हो जाएगी के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, यहाँ से आप डिस्टेंस क्या माने हैं आर माने हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अब ए और सी का डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या बचेगा 8:1 बचेगा, 8:1 ठीक है, 8:1 सी वाला आएगा, 8 का सी। 9 क्या कर रहा भैया, टू इनफाइनाइटली, क्लास में भी बताए हैं दो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज के बीच का फोर्स 2k λ1 λ2 बाई आर होता है, 2k λ1 λ2 बाई आर होता है, मतलब बी वाला सही होगा, सी नहीं बी। फिर क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिएगा टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी एंड 64p प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन लाइन ऑफ डिस्टेंस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया, अपोजिट डायरेक्शन 25 सेंटीमीटर, मतलब एक डाइपोल ऐसे दिया गया है P1 दिया गया है ध्यान दीजिएगा, और एक डाइपोल ऐसे दिया गया वो P2 दिया गया है, क्या दिया गया है P2 दिया गया है, तो P1 का मतलब क्या हो जाएगा P,
अब P2 का मतलब कितना हो जाएगा, 64P हो जाएगा। प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन लाइन डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखा गया, 25 सेंटीमीटर पर रखा गया। देखिए 25 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट ए पॉइंट बिटवीन द डाइपोल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट इज पीच। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, कहीं मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो इससे कितने डिस्टेंस पे, यक्स पे होगा, तो इससे कितने पे होगा, 25 माइनस यक्स पे होगा। तो करना क्या कर पड़ेगा, इस डाइपोल के कारण आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, इस डाइपोल के कारण आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देनी पड़ेगी। तो चलिए इस डाइपोल के कारण जरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इस डाइपोल के कारण के पी अपॉन यक्स क्यू, इसके कारण देखते हैं के 64 पी अपॉन 25 माइनस यक्स क्यू। अब दोनों तरफ एक काम करिए, क्यूब रूट ले लीजिए, के पी तो कट गया, क्यूब रूट 1 बाई यक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 1 बाई यक्स, और 64 का मतलब 4 बाई 25 माइनस यक्स, और ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस यक्स इक्वल टू 4 यक्स, या 5 यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, या यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, यक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो देखिए यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो 10 का कौन सा हो जाएगा भैया, ए। 11 देखिए क्या कह रहा है, 11 कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। नहीं भैया, क्लास में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। देखिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती हैं, तो ये गलत हो गया सरसन। रीजन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, जैसे आप ढेर सारे चार्ज हैं किसी पॉइंट पे, आप खूब इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इधर निकालें, तो अब क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर सम निकालते हैं, तो वेक्टर सम को ही तो सुपर इम्पोज कहते हैं। हाँ सुपर इम्पोज, तो इसका मतलब रीजन क्या है, सही है, तो ए वाला सही होगा, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, इसका मतलब ए है, इसमें क्या है, ए है। 11 के बाद 12 देखिए क्या कर रहा है, टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिएगा टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी एंड सी डी, ए बी, और अब देखिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होगा। इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट देखिए एक दूसरे से 120 डिग्री पे होगा, कितने पे होगा, 120 डिग्री पे होगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ये पी दिया गया है और ये क्या है, पी दिया गया है, ठीक है, ये 120 डिग्री पे होगा, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी डैश। तो पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डैश इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। देखिए कॉस 120 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1/2, इसका मतलब पी डैश क्या होगा, पी डैश क्या बचेगा, यहाँ पे पी डैश बचेगा जो, वह P बचेगा, क्या बचेगा, P। और ये बताइए P डैश P बनेगा और कितना एंगल बना रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से दे रहा है थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल, ये देखिए दिया थीटा, तो जब थीटा एंगल दिया है तो टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू पक्का है ये डाइपोल है नेट, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होगा। और आप जानते हैं चाहे टॉर्क हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो टॉर्क की दिशा इनके प्लेन के क्या आएगी, परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब किधर आएगी, अलोंग जेड डायरेक्शन, अलोंग क्या आएगी, मतलब ए वाला सही होगा, मतलब 12 का क्या है, ए, 12 का क्या सही होगा, ए, ठीक है भाई। तो ये 12 हो गया, 13 देखिए क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट, ए पॉइंट चार्ज है कितना 100 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट 3i कैप + 4j कैप मीटर। देखिए भैया पॉइंट चार्ज है क्यू, क्यू कितना दिया गया, क्यू इक्वल टू दिया गया 100 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट ए 3i कैप + 4j कैप मीटर, मतलब आर इक्वल टू कितना दिया गया है 3i कैप + 4j कैप हाँ मीटर। अब आप इनका मैग्नीट्यूड जरा, ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब ये R1 हो गया, R2 हो गया, R2 कितना हो गया 9i कैप + 2j कैप 12। तो देखो ये पोजीशन हो गया आपका दोनों का, अब आपको इन दोनों पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस R1, 9 में से 3 जाए कितना बचेगा 6i, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8j कैप। अब देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
अंडर रूट कितना हो जाएगा 100, 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इक्वल टू के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, के कितना हो जाएगा 9 × 10⁻¹। अब क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 100 × 10⁻¹। आर कितना हो जाएगा, आर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 कट गया, 9 × 10³। 9 × 10⁻¹⁹ वोल्ट पर मीटर, 9000 वोल्ट पर मीटर। 13 का बी होगा, ध्यान दीजिएगा ये बी है, बी ठीक। फिर उसके बाद आ जाइए 14 पे आ जाते हैं, सेम चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड ए स्फीयर एंड क्यूब, ठीक है, मतलब एक सेम चार्ज है जो स्फीयर के अंदर और क्यूब के अंदर दोनों के अंदर रखा गया है। सेम चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड स्फीयर एंड, ये देखिए स्फीयर के अंदर भी रखा गया है सेम चार्ज, और ये क्या रखा गया है क्यूब के अंदर भी रखा गया है, ये क्यूब के अंदर रखा गया है, ठीक है भाई। सेम चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड स्फीयर एंड क्यूब हैविंग रेडियस 1 मीटर, रेडियस कितना है 1 मीटर है, साइड कितना है 2 मीटर है, साइड कितना रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू देम, कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स जो होता है वह शेप से इंडिपेंडेंट होता है, शेप पे नहीं डिपेंड करता है भाई, जो शेप होता है उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसमें भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका मतलब पहला वाला आंसर होगा, कौन होगा पहला। 14 के बाद 15 चलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव किधर कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन किधर लगता है, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी इधर है, ये देखिए एक्सीलरेशन इधर है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब स्पीड घटेगी, स्पीड घटने का मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी पक्का बढ़ता है, इसका मतलब 15 का ए वाला होगा, 15 का क्या होगा ए। 16 चलिए, 16 क्या कर रहा भैया, रेफर टू अरेंजमेंट चार्ज इन फिगर एंड गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर विथ क्यू एट द सेंटर, क्यू एट द सेंटर, देन टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा टोटल फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, बाहर का चार्ज नहीं, याद रखिएगा टोटल फ्लक्स के लिए सिर्फ अंदर का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, बाहर का नहीं। तो ये देखिए अंदर का चार्ज क्या है -2q है और ये q है, अब बाहर ये कितना है 5q है, तो बाहर का चार्ज तो रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं, सिर्फ अंदर का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा, तो यहां पे अंदर का चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं। और आप जानते हैं फ्लक्स जो होता है इनसाइड वह चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ अंदर कहीं भी रखा हो, चाहे यहां रखा हो, चाहे यहां रखा हो, यहां रखा हो, वह टोटल चार्ज पोजीशन नहीं, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना होगा -2q+q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे -q/ε₀, यानी ए वाला होगा, टोटल फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ स्फीयर इज -q/ε₀ होगा, ठीक है ना भाई। 16 के बाद 17 देखिए, द फिगर शो 3 नॉन कंडक्टिंग रॉड, हाँ करा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस्ट है, तो चलो भाई देख लो, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर, माइनस के कारण इधर, तो नेट किधर होगा, मतलब ये वाला बेस्ट है, यहां प्लस के कारण इधर, माइनस के कारण इधर, नेट इधर होगा, ये गलत है, प्लस के कारण क्या होगा इधर, माइनस के कारण इधर, नेट क्या होगा इधर, ये भी गलत है। तो इसका मतलब इसमें कौन सही है, यानी 17 का फर्स्ट सही है, 17 का कौन सही है फर्स्ट। 18 देखिए क्या भैया, पॉइंट चार्ज प्लस 10 μC दिया है, कितना दिया है, इज एट ए डिस्टेंस 5 cm डायरेक्टेड अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर के थ्रू कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बेटा अगर किसी क्यूब के सेंटर पे रखा होता है तो अब इसके लिए हमको क्या है, क्यूब के सेंटर पे रखा होता है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसके लिए हमको सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो जब सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो पूरे क्यूब के कारण क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और एक फेस के कारण कितना हो जाएगा क्यूब बाय 6 ε₀ नॉट होगा, कितना होगा हाँ क्यू बाई 6 ε₀। तो क्यू की वैल्यू पता ही है, यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू पता ही है, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, तो क्यू बाई आप 6 ε₀ कर दें, क्यू बाई क्या कर दें 6 ε₀ कर दें। 18 के बाद 19 देखिए, टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m विथ चार्ज -2q and 2q आर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e and अलाउड टू मूव फ्रॉम सेम टाइम।
द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेशियो ऑफ, हाँ, टू चार्ज हैं दिन अब मासेस सेम एंड टू एम, चार्ज उनका सेम है। तो अभी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ यम, यम कितना है, एक का यम है, एक का वी वन स्क्वायर, एक का कितना होगा माइनस टू क्यू इंटू वी, एक का कितना हो जाएगा हाफ टू यम, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, रुक जाओ गड़बड़ हो रहा है, फॉर सेम द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये देखो ये दूसरे वाले का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ये दूसरे वाले का हो जाएगा। तो अब इसमें कितना है भैया, इसमें देखिए एक का क्या हो गया, एक मिनट, द टाइम टू पार्टिकल ऑफ मास सेम एंड टू एम विद चार्ज माइनस टू क्यू एंड टू क्यू आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड अलाउड टू मूव फ्रॉम सेम टाइम। अब देखना यहाँ एक चीज़ दे दिया है, हाँ उसको हम नहीं ध्यान दे रहे थे, सेम टाइम दे दिया है बच्चा लोग, तो सेम टाइम के केस में याद करिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, सेम टाइम के केस में हम बताए थे ई स्क्वायर की स्क्वायर, हाँ इसको बता दें पूरा बता दें, टाइम के केस में कितना होता है, देखो टाइम के केस में क्या होता है, ध्यान दो टाइम के केस में कैसे निकालते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है जीरो प्लस ए टी, या बी इक्वल टू कितना होता है, ए की वैल्यू क्या होती है क्यू वी बाई एम इन टू टी, या काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, या हाफ एम, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये देखिए एम से एम कट गया, ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा टू एम हो जाएगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के वन अपॉन के टू इक्वल टू, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी के वन अपॉन के टू इक्वल टू मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, किसके है, हाँ तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मास क्या है ये के वन अपॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यम होगा, यम यानी यम, यम करेंगे इसमें के वन रखेंगे तो कितना जाएगा नीचे यम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा टू यम आ जाएगा यानी टू बाई वन हो जाएगा, ए वाला सही होगा, कौन सा सही होगा, ए वाला सही दिया है, ठीक है। फिर चलते हैं 20 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह रहा है, हाँ देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल पीस प्लेस शोन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेंट, तो याद रखना ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स देखो क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो ये देखो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू होगी, और ई वन जो है वह ई टू से बड़ी होगी, तो ये देखो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई वन, और इस पर फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई टू, अभी बताइए E1 इज ग्रेटर देन E2 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा होगा, यानी ये डाइपोल लेफ्ट की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, ठीक है डाइपोल लेफ्ट की तरफ, तो यही लिखा है डाइपोल लेफ्ट की तरफ जाया है कि नहीं, तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स राइट, नहीं टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इसका क्या होगा ये सी वाला होगा, ये देखिएगा इसका सी है, तो 20 का ये सी हो जाएगा। 20 के बाद 21 देखिए, ए चार्ज ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब QV फोर्स के कारण ये ब्लॉक चलेगा, किसके कारण चलेगा, तो ये बताइए QV फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, QV फोर्स जो होगा वह म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा, बोलो QV फोर्स हो जाएगा कि नहीं, म्यू एम जी के बराबर, तो QV फोर्स के कारण ये ब्लॉक क्या है चलेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्यूवी बाई क्या हो जाएगा एम जी, क्यूवी बाई क्या हो जाएगा एम जी, यानी किसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, किसका ए, चलिए 22 देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, ये देखो डाइपोल मोमेंट पी दे दिया है, ठीक है एंगल कितना दे दिया है थीटा दे दिया है, ठीक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है, तो आखिरकार टॉर्क होता कितना है, बताओगे टॉर्क कितना होता है, ये देखो टाउ इक्वल टू क्या होता है पीई, टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, तो अब पी भी पता है ई भी पता है थीटा भी पता है, सब रख दो, पी कितना पता है 4 × 10⁻⁹, ई कितना पता है 5 × 10⁴, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो देखो 2 से कट गया 5 × 10 आ गया, कितना आ गया 10, 10 5,
यानी कितना हो गया 10^-4 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है भाई, ए ना गया, हाँ ये वाला होगा, ए नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना। 22 के बाद 23 देखो क्या कर रहा है, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी, नाउ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ, कीपिंग द चार्ज टू कॉन्स्टेंट द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल बी। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो याद रखिए अगर आर आर बाई टू होगा तो ये चार गुना हो जाएगा, आर आर बाई टू होगा तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 4E and 2V हो जाएगा, ठीक है ना। 23 के बाद 24 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इन फाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 ε₀ ए का 2, द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर सिग्मा अपॉन ε₀ एनसीईआरटी में लिखा है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर रो आर अपॉन 3 ε₀, कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर एट इट्स सेंटर, सेंटर पे क्या होता है 0, तो इसको कौन सा टिक बैठा रहा है, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। स्टेटमेंट 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग शेल इज 0, ठीक है। दूसरा, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल, सही बात है। ये बताइए अगर सेम पोटेंशियल होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब क्या होता है, देयर इज नो वर्क डन, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल समान है, तो वहां से लाइन नहीं पास करेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पास करेगी, तो नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू द पोटेंशियल हैविंग द सेम पोटेंशियल। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, ए वाला सही होगा इसका, ए वाला ए, ठीक है, ये ध्यान देना। 26 का रहा, इन फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज Q2 Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन ए चार्ज Q1, ठीक है, अलोंग द x एक्सिस, इफ चार्ज Q इज एडेड एट x, 0, द फोर्स ऑन Q1 इज, फोर्स ऑन Q1 पूछ रहा है, मतलब Q1 पे क्या फोर्स होगा। तो ये देखिए ऐसे दिया है, Q3 दिया है, तो ये इसके कारण इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मतलब इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये पक्का है माइनस चार्ज होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वही एक्स डायरेक्शन में, माइनस होगा तभी तो, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, और इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो मतलब रिजल्टेंट इधर की तरफ हो जाएगा। ये देखिए रिजल्टेंट किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया, द फोर्स ऑन Q1 ये देखिएगा राइट की तरफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें एक चार्ज कैपिटल क्यू को क्या है ऐड किया गया है, कैपिटल क्यू को ऐड किया गया है, तो कैपिटल क्यू को ऐड किया गया है, तो इसका मतलब ये बताइए कैपिटल क्यू को जब ऐड किया जाएगा तो अब इस पे फोर्स ऐसे लगे रहा था, अब क्यू जब ऐड हो गया है यहाँ पे तो अब इसके कारण ये माइनस है, तो इसके कारण इस पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ होगा, तो ये बताइए फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी तो इसको पुल करने के लिए इधर की तरफ आ गया, हाँ, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जो फोर्स शैल इंक्रीज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ए वाला होगा, कौन सा होगा, हाँ ए कर लीजिएगा। 26 का ए, 27 देखिए क्या करा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट करा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 60 डिग्री पे बताइए, तो 60 डिग्री पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू के पी कॉस 60 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, के का मतलब के है, पी का मतलब डाइपोल मोमेंट है, कॉस 60 है अपॉन कितना आर स्क्वायर है, अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी कॉस 60 अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी दिया है 60 दिया है, यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कुछ ना कुछ आएगा, हाँ सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा, देखिए 0.6 है, 200 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। 28 क्या कर रहा है, द चार्ज क्यू एंड माइनस 3Q प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस, वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो एक बात याद रखिएगा, जब प्लस और माइनस क्यू चार्ज होता है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये बताइए तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे, याद रखिएगा तीसरे चार्ज को बाहर की तरफ रखेंगे, और टूवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड, तो इधर की तरफ लेस मैग्नीट्यूड है, तो मतलब इससे यक्स डिस्टेंस पे हमको न्यूट्रल मतलब लेफ्ट मिलेगा, हाँ लेफ्ट ऑफ छोटा क्यू, यानी या तो बी सही होगा या तो क्या सही होगा, हाँ सी सही होगा। तो अब देख लो कितना आ रहा है, डी बाई 3 1+√3 आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताया हूँ, अगर इससे आपको निकालना है यक्स की वैल्यू निकालनी है तो इससे चार्ज क्यू को रखेंगे अपॉन ये क्या हो बाहर की तरफ रखना है, तो याद रखिए 3Q माइनस कितना रखेंगे, ये क्यू रखेंगे और ये डी, यानी डी अपॉन कितना हो जाएगा √3 - 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, यानी √3 + 1 अपॉन √3 - 1
और ये क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, तो ये डी हो गया रूट थ्री प्लस वन, और ये देखिए रूट थ्री में से ये क्या जाए थ्री में से वन जाए कितना बचेगा टू, ठीक है थ्री में से वन जाए कितना बचेगा डी बाई टू रूट थ्री प्लस वन, और लेफ्ट यानी सी वाला सही होगा, कौन सा सही होगा हाँ सी वाला सही होगा, छोटी छोटी बातें ध्यान दें ठीक है। 28 के बाद 29 कह रहा है फोर चार्ज प्लेस्ड ईच ए डिस्टेंस फ्रॉम ए ओरिजिन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज, मतलब कॉन्फिगरेशन का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है ठीक है। तो याद रखिए एक माइनस और एक प्लस एक डाइपोल बनाता है, तो यहाँ माइनस टू क्यू है थ्री क्यू है, तो देखो एक ये डाइपोल माइनस टू क्यू और प्लस टू क्यू बना लेगा, ये पी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए है ये ए रूट टू होगा, सोच के देखो पी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ए रूट टू हो जाएगा, पी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू ए रूट टू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है माइनस टू क्यू है और ये थ्री क्यू है, माइनस टू क्यू है ये देखिए माइनस टू क्यू है और ये थ्री क्यू है, तो माइनस टू क्यू एक माइनस क्यू के साथ और एक माइनस क्यू इसके साथ डाइपोल बना लेगा, तो एक माइनस क्यू लेते हैं एक माइनस क्यू इसके साथ डाइपोल बनाते हैं, ये भी डिस्टेंस ए रूट टू आएगी, तो पी वन इक्वल टू यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पे टू क्यू ए होगा, जैसे दो क्यू हो रहा है ना दो टू पी वन इक्वल टू क्या होगा क्यू ए रूट टू हो जाएगा। एक देखो एक माइनस प्लस यहाँ डाइपोल बनाएगा, ये क्या बनेगा पी थ्री इक्वल टू क्या बनेगा ये क्यू ए रूट टू बनाएगा। अब देखिए ये ठीक है कौन कौन, ये देखिए टू क्यू ए रूट टू और क्यू ए रूट टू एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा देखिएगा टू क्यू ए रूट टू में से क्यू ए रूट टू जाएगा, तो ये बताइए इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा क्यू ए रूट टू, हाँ टू क्यू ए रूट टू में से क्यू ए रूट टू जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा क्यू ए रूट टू। और इसमें क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा इसमें ये देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ए रूट टू ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये देखिए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा P डैश इक्वल टू 90 डिग्री क्यू ए रूट टू यानी टू क्यू ए कौन कैप जे कैप, टू क्यू ए क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, तो ये देखिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा टू क्यू ए जे कैप हो जाएगा ठीक है ना भैया, तो ये ध्यान रखिएगा। 29 के बाद चलिए 30 पे क्या कह रहा है कंसिडर द फोर्स एफ ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एफ इफ क्यू इज द प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। तो देखिए सेल के अंदर तो कहीं भी अगर चार्ज रखा जाएगा तो उस पर फोर्स जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो होती है, तो अब उसको कहाँ रखना पड़ेगा बाहर रखना पड़ेगा, यहाँ मान लीजिए बाहर रखते हैं तो बाहर रख देते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो फोर्स होगा, तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन है सी है। 31 पे देखिए क्या कह रहा है फॉर शोन सिचुएशन ठीक है टू डाइपोल द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज, तो ये देखिए नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम का मतलब माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू हो गया माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू हो गया, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच कैसा फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, तो इन दोनों डाइपोलों के बीच क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और यहाँ क्या है ये देखिए माइनस हो गया ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में क्या लगेगा रिपल्सिव लगेगा, मतलब इनके बीच में रिपल्सिव, तो इसमें अट्रैक्शन होगा इसमें रिपल्सन होगा, तो अट्रैक्शन रिपल्सन कौन बता रहा है हाँ बी बता रहा है, तो यहाँ पे बी कर लीजिएगा ये क्या हो जाएगा बी, 31 का बी हो गया। 32 देखिए क्या हो जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेजर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेजर कर रहा है इज द इंडिपेंडेंट ऑफ डी, अब जानते हैं इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होती है, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण कौन हो जाएगा इनफाइनाइट चार्ज शीट है हाँ ये है ये पी का 5 हो गया, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ये क्या इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण होता है, किसके कारण हो गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, क्यू का क्या हो गया 3, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब ये तो पक्का डाइपोल के कारण होगा, किसके कारण होगा डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल है मतलब यस का क्या हो गया यस का हो गया 2। अब बचता है ये क्या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एक पक्का हो गया, किसके कारण होगा पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन। अब जरा चेक कर लिया जाए क्या ये इनफाइनाइट वायर है क्या इसके कारण भी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, अगर ये होगा तो ऑप्शन ए सही है, अगर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन बी सही होगा, यही चीज क्लियर करना है। तो टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये देखो पैरेलल टू क्या दे रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस द वन अलोंग वाई इक्वल टू जीरो,
एंड जेड इज्क्वल टू यल, ठीक है। मतलब यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है और ये देखिए ये एक जेड इज्क्वल टू यल पे रखा है, मतलब ये यल डिस्टेंस हो गया, ये भी यल डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। एक पे प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी है, हाँ क्या कर रहा है, हाँ ये जो है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, ये वाला प्लस लेमडा रख रहा है, और जो माइनस एल पे है उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस लेमडा है। कह रहा है पॉइंट डी है, अब डी पता नहीं कहाँ हो सकता है, लेकिन हाँ डी जो है टू एल से बड़ा है तो बाहर की तरफ होगा, मान लो यहाँ पे है, तो कह रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, पहले इसके कारण देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इससे डी डिस्टेंस पे है, हाँ मतलब ये किस डिस्टेंस पे है जरा देखना, हैज ए डिस्टेंस डी जो हैज ए लीनियर डी टू एल लेस देन डी, तो इसका मतलब टू एल डी बड़ा है, मतलब डी क्या है टू एल से बड़ा है, तो देखो जी गड़बड़ा रहा है, हाँ डी बड़ा है तो हमको सेंटर से लेना पड़ेगा डी, हाँ सेंटर से डी लेना पड़ेगा, तो सेंटर से डी लेना पड़ेगा, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी डी माइनस एल हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस डी प्लस एल हो जाएगी। तो चलिए जरा इसके कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे क्या होगा, अपनी तरफ होगा ईवन, ईवन कितना होगा जरा देख लीजिए, ईवन इक्वल टू क्या होगा, ईवन इक्वल टू होगा टू के, हाँ टू के लेमडा अपॉन कितना हो जाएगा डी माइनस एल, और इसके कारण जरा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यानी ई टू होगा, क्या होगा ई टू, बोलिए ई टू कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए, टू के लेमडा अपॉन बेटा क्या हो जाएगा डी प्लस एल हो जाएगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा ध्यान देना, ई वन माइनस ई टू, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होगा टू के लेमडा कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन डी माइनस एल कर लीजिए, माइनस वन अपॉन डी प्लस एल कर लीजिए। अब ये देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू के लेमडा, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी माइनस एल से ये कट गया, ये क्या हो गया डी प्लस एल हो गया, माइनस डी प्लस एल, और डी डी कट गया, डी डी कट गया। अब बताओ क्या हो जाएगा भैया, डी डी कट गया, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू के लेमडा टू एल अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये देखिएगा एल बहुत छोटा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ भी देखिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है डी स्क्वायर, बच के रहिएगा, बहुत लोग दो पे मारे होंगे बी वाले पे, लेकिन इसका ये भी आंसर आ रहा है, आर का फोर भी आ रहा है, तो इसीलिए पहला वाला सही है, कौन सा सही है ए, 32 का ए सही है, ठीक। छोटी छोटी बातें 33, मेटालिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉलो शेल मे बी बिल्ट टू ब्लॉक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। आप जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इसका मतलब कोई लाइन आएगी नहीं, कोई लाइन नहीं आएगी तो इसका मतलब उसको ब्लॉक कर दे रहा है, सही बात है। ए हॉलो स्फेरिकल शील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द जीरो एट एवरी पॉइंट, सही कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, यानी फर्स्ट भी ट्रू सेकंड भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू सेकंड भी ट्रू। 34 क्या कह रहा है, जी एंड जी एम आर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड द मून रिस्पेक्टिवली, एंड इफ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म ऑन द टू सर्फेस वन विल फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है, वह यन और ई पे डिपेंड करता, क्यू इक्वल टू यन ई, तो इसका मतलब मून और अर्थ का मतलब मून अलग फ्रेम हो गया, अर्थ अलग फ्रेम हो गया, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए चार्ज का रेशियो जो होगा वन इंस टू वन होगा, वन इंस टू वन होगा, मतलब इसमें 34 का क्या कर लीजिएगा बी कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा बी। 35 क्या कर रहा, फोर चार्ज आर प्लेस्ड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ डायल क्लॉक, हाँ सर्कमफेरेंस ऑफ डायल क्लॉक, इफ द क्लॉक हैज ओनली आर हैंड देन द रिजल्टेंट फोर्स, हाँ इस पे, तो ये देखिए इसके इसके बीच का फोर्स कैसे लगेगा, इसके इसके बीच का फोर्स इधर लगेगा, इसके इसके बीच का फोर्स कैसे लगेगा इधर, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं, तो ये बताइए इसमें अब नेट कैसे हो जाएगा, नेट आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए नेट ऐसे हो जाएगा भाई, इस प्लस के कारण इधर होगा, इस प्लस के कारण इधर होगा, तो नेट कैसे हो जाएगा ऐसे, और ये है कौन सा पॉइंट है, ये 7:30 है क्या ये, हाँ 7:30 बजे ये लगेगा, क्या लगेगा 7:30 बजे। चलिए ये देख लीजिए 36 क्या कर रहा है, ए क्यूब इज प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 150y², इसका मतलब जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अनुसार वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए वाई एक्सिस में, तो यहाँ वाई जीरो होगा, तो यहाँ जो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह क्या होगा जीरो होगा, यहाँ आउटगोइंग, आउटगोइंग कितना हो जाएगा, आउटगोइंग क्या हो जाएगा
150 इंटू वाई कितना है, वाई 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/4। अब देखिए इनकमिंग फ्लक्स कितना, जब ई इन जीरो है तो फाइ इन भी क्या होगा, जीरो होगा। फाइ आउट कितना हो जाएगा, ये देखो फाइ आउट जो हो जाएगा ई डॉट ए हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा 150 इंटू 1/4 इंटू एरिया, एरिया एरिया कितना हो जाएगा भैया, एरिया एरिया हो जाएगा 1/4 1/2 इंटू 1/4 का मतलब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 का मतलब, देखिए 1/2 1/2 का मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, एरिया हो गया। अब चार्ज इनसाइड दो, अब हमको टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स फाई आउट के बराबर होगा, यानी 150 अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप जानते हैं फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या होगा, ठीक है 1500/16 इंटू 8.85 इंटू 10^-12। अब इसको कैलकुलेट करके जरा देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है, तो बी वाला, इसमें एक गलत दिखा है, बी वाला होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कौन सा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। एक मिनट, 36 में कौन सा कैलकुलेट करके बता रहे हैं, कैलकुलेट करके 36 8.3 इंटू 10^-11 ये है, सॉरी 10^-11 पावर से, तो कैलकुलेट करके ये सही कर दीजिएगा 36 का ये। फिर देखिए 36 के बाद 37 क्या कर रहा है, टू स्मॉल स्फीयर विद द मास m1 एंड m2, फिर कहा जा रहा है कि थीटा वन, तो मैंने आपको देखिए क्लास में भी बताया था कि ये जो सस्पेंडेड चार्ज होते हैं क्या होते हैं ये, हाँ ध्यान दीजिए, ये सस्पेंडेड चार्ज होते हैं, ये सस्पेंडेड चार्ज हैं, तो ये जो सस्पेंडेड चार्ज होते हैं इसमें ये जो थीटा होता है वो इनके चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, वह इनके मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाँ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हाँ इनके मास, जिसका मास ज्यादा होगा उधर का थीटा कम। तो क्वेश्चन कह रहा थीटा वन थीटा टू बराबर है, तो इसका मतलब एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा। 38 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉजियन सरफेस प्रोवाइड ए नेगेटिव फ्लक्स, सही बात है, बताया था जो सही है वह गलत है। चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब द फ्लक्स थ्रू द फेस विल बी सेम, सही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉजियन सर्फेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो, ठीक है। डी वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉजियन सर्फेस प्रोवाइड ए फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, नहीं पैरेलल टू गॉजियन सर्फेस होगा तो क्यों, अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल हो रही है तो उसका नॉर्मल ऐसे होगा, और नॉर्मल ऐसे होने की वजह से फ्लक्स जीरो होगा, नॉन जीरो फ्लक्स नहीं, तो डी वाला इसमें गलत है केवल। टू आइडेंटिकल स्मॉल बीट्स ईच आर मास एम, ये देखिए सस्पेंडेड चार्ज वाला है, तो सस्पेंडेड चार्ज वाले में मैंने कहा देन द चार्ज ऑन ईच बीड इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 है तो ये देखिए 30 होगा, तो मैंने कहा था कि इसके लिए आप क्या ले लीजिए, मैंने कहा था कि आप याद किए रहिएगा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू, याद करिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी, मैंने कहा था टेन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 10 30 डिग्री क्यू स्क्वायर हो गया, ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यक्स कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा एम जी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम जी। देन द चार्ज ऑन ईच बीड इन इक्विलिब्रियम, बोलो चार्ज यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं, क्यू की वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं, हाँ तो क्यू की वैल्यू यहाँ से दौड़ के चली आ जाएगी 39 का ये क्या हो गया सी। 40 क्या कर रहा है, टू आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी हैविंग देयर डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 respectively are placed on the plane with their center O as shown in the figure. तो एक देखो डाइपोल बन रहा है, एक डाइपोल बन रहा माइनस से प्लस, ये देखो ये P1 बन रहा है, एक डाइपोल माइनस से प्लस बन रहा है, ये देखो ये P2 बन रहा है, ठीक है। एट पॉइंट सी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, तो ये देखिए इस P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, P1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 2K P1/R³, देखना P1/R³, इसके कारण ये डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K P2/R³ हो जाएगा, और देखिए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 37 डिग्री, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो रिजल्टेंट 37 डिग्री, इसका मतलब 10 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखिए 10 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाँ बेस होता है। 1037 क्या होता है, देखिए 1037 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, E2 अपॉन E1 का मतलब क्या हो जाएगा, P2 अपॉन क्या, ये देखिए P2 अपॉन 2P1 हो जाएगा। अब 1037 डिग्री कितना हो जाएगा, 1037 डिग्री तो पता ही हो आप लोगों को होगा, 3/4 P2 अपॉन 2P1, 2 से 2 कट गया। अभी बताइए P2/P1 इक्वल टू 3/2 कौन सा होगा, B है, हाँ ठीक है। 40 के बाद चलते हैं 41। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट ओ, देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन पॉइंट ओ पे आपको बताना है। तो इसके कारण ये बताइए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, 2kp यानी 4kp/r³ होगा। ये देखिए इसके कारण ये डाइपोल मोमेंट इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, इक्वेटोरियल पोजीशन इधर की तरफ होगा, ये कितना हो जाएगा 2kp/r³। ये बताइए नेट कितना होगा, 4kp/r³ में से 2kp/r³ निकालेंगे तो बोलिए नेट कितना हो जाएगा, ये बताइए नेट कितना हो जाएगा, 2kp/r³ यानी कितना हो जाएगा, चार इधर है, दो चार में से दो जाएगा, दो बचेगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये है डी नहीं है भैया, बी है इसमें 41 का बी। 42 देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी ये दिया है, देखिए डाइपोल मोमेंट पी ये दिया है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि ये आर डॉट पी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान दीजिए आर डॉट पी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी अगर पी ऐसे कह रहा है तो आर कैसे होगा ऐसे, मतलब एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एंटी पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एंटी पैरेलल होगा। ये देखिए आर डॉट पी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। देखिए डाइपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंटी पैरेलल हो जाएगा, आर डॉट पी इक्वल टू कितना, जीरो। तो अब देखो यहां पे क्या है, ये डाइपोल मोमेंट पी दिया गया है, डाइपोल मोमेंट पी दिया गया है और आर दिया गया है, ठीक है, और ई इसके एंटी पैरेलल है, तो आर डॉट पी इक्वल टू जीरो, ठीक है भैया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा, तो डाइपोल मोमेंट देखिए अगर ये माइनस दिया है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस, मतलब डाइपोल मोमेंट के, अब देखो इस चारों ऑप्शनों में से कौन इसके एंटी पैरेलल वेक्टर है, मतलब इस डाइपोल मोमेंट के कौन एंटी पैरेलल है, तो देख लो माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, ये वाला है, इसका मतलब सी होगा, सॉल्व करके नहीं खाली वेक्टर से पता चल गया। 42 का ये सी है। 43 देखिए, स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रो इक्वल टू आर स्क्वायर, द ए पॉजिटिव कांस्टेंट डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए अंदर रो वेरी कर रहा है, मैंने आपको क्लास में बताया है, हमने कहा कि भैया मतलब 10% हमने कहा था कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, हाँ लिंक विद द एनसीईआरटी, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पलर में दिया है। तो अंदर की तरफ ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ ध्यान दीजिए, मैंने फार्मूला बताया था, अंदर की तरफ अगर वैरी कर रहा है तो ये क्या बताया था, 1/4πε₀, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 4πr² dr अपॉन, हमने कहा था ये क्या, r₁² जीरो से लेके r₁, तो ये देखो अंदर की बात है, तो जीरो से लेके यहाँ देखो 4π से 4π तो कट गया, ठीक है, ये 1/ε₀ और जीरो से लेके r/2 कह रहा है, जीरो से लेके r/2 कह रहा है, और रो की वैल्यू कितनी है, ar², तो ar² और r² कितना हो गया, ar पे 4 और dr अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए r/2 इसकी जगह कितना हो जाएगा r/2, तो r/2 का मतलब क्या हो जाएगा, r² / कितना, 4, यानी 1/ε₀, देखिएगा 1/ε₀ ये कितना हो जाएगा, a, ध्यान दें r की जगह हम क्या रखेंगे, r² / r पे 4/, 2 × 4 × 8 × 16 रखेंगे, कितना रखेंगे, हाँ 16 रखेंगे, ये देखिएगा 16 रखेंगे, हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रो इक्वल टू ar² 4π काटे हैं, रो की जगह ar² a की वैल्यू तो नहीं दिया है ना, हाँ कुछ कट पिट होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा,
दो दुनी चार, दुनी आठ दुनी 16, कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है भाई। स्फीयर ऑफ रेडियस आर कह रही है चार डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, डिस्टेंस रो इज इक्वल ए इज द पॉजिटिव डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हाँ तो ये स्मॉल आर की जगह यहाँ तो हमने रखा ही, तो ये आर स्क्वायर बाई कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ जब स्मॉल आर की जगह हम आर स्क्वायर बाई रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई टू, दो दुनी चार, दुनी आठ दुनी 16 हो जाएगा, चार से चार कट गया, चार से चार कट गया, यानी ये क्या हो जाएगा, कहीं चार पाई भी गड़बड़ हो गया का, भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर करी चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वेयर ए इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई कट गया बेटा, आर स्क्वायर बाई 4। ये देखो कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ जाती है, इसको ध्यान दो। इसके लिए मैंने बताया था ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए 0 से लेके आर बाई 2, और ये रो की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ डी आर अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन ये देखिए आर बाई 2 का होल स्क्वायर, आर बाई 2 का होल स्क्वायर। चलिए 4 पाई से 4 पाई कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया, ये देखिए आर पे कितना हो गया 4, अच्छा इंटीग्रेशन गड़बड़ हुआ था, आर पे 4 का मतलब क्या हो गया, आर पे 5/5, आर पे 5/5 ये भी नहीं लिखे थे नीचे, इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन गड़बड़ाया था, और ये देखो ये आर बाई 2 का मतलब आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाता है। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, ए ठीक है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आइस आर की जगह हम आर रखेंगे, तो आर की जगह आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पे 5/5 इंटू कितना हो जाएगा 4/r², आर स्क्वायर से ये कट गया, और ये क्या हो गया, कुछ और कटा, यहाँ रखेंगे आर बाई 2 रखेंगे तो कितना, एक मिनट इसको तो रखें ही नहीं, आर बाई 2 रखेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 ये कट जाएगा, आ गया 4 से 4 चला गया, ये क्या 2 से 2 चला गया, ये अब आपका क्या बच गया यहाँ पे, ए आर क्यूब अपॉन 40 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो देखो बेटा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी, संभाल लेना इसको, हाँ बस इंटीग्रेशन भी हमने कर दिया है, आर पे 4 होगा तो आर पे 5/5 होगा, आर पे 5/5, अब आर की जगह रखेंगे आर बाई 2 रखेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, हाँ मतलब 32 यहाँ होगा, सॉरी 32, 4 से कितनी बार जाएगा, 8/40, सब सही है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें होगा, कौन सा होगा, बी, सही कर लेना, सी नहीं है बी है। 44 क्या कर रहा है, चार्ज क्यू 2Q 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब E1 E2 E3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, E1 E2 E3 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो कह रहा है कि भैया क्या होगा, तो ये देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ये सरफेस पे कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू के 2Q/ आर स्क्वायर हो जाएगा, E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E3 इक्वल टू कितना हो जाएगा अंदर की तरफ, E3 इक्वल टू के 4Q आर अपॉन कितना हो जाएगा, R³ का मतलब 2R का क्यूब का मतलब 2 × 4 × 8 8R³। तो ये देखिए कौन इसमें बड़ा लग रहा है, तो आपको बड़ा कौन लग रहा है भैया, E2 बड़ा लग रहा है, फिर उसके बाद E1 लग रहा है, और फिर E3 छोटा लग रहा है, तो E2 बड़ा लग रहा है, E1 लग रहा है, E3 बड़ा लग रहा है, सी वाला है इसमें, कौन सा, सी, बी नहीं है इसमें, सी है, ठीक है ये सी कर लेना। 44 हो गया। 45 क्या कर रहा है, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज दिए गए हैं एक्सटर्नल, द वैल्यू ऑफ मैक्स, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है, पीई होता है, तो ये देखिए यहाँ से पी निकाल दीजिए, ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है मैक्सिमम टॉर्क ये होता है, और फिर मैक्सिमम वर्क कितना होता है, 2PE होता है, तो जो आएगा उसका डबल कर दीजिए, तो इसमें डी वाला होगा, सी नहीं, डी 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 होगा। 46 क्या कर रहा है, ए पॉइंट चार्ज क्यू ब्रॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर टू द चार्ज मे इंक्रीज, ठीक है इफ चार्ज इज पॉजिटिव, सही बात है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें किसी चार्ज को ला रहे हैं, तो याद रखना चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा, इसके नियर पूछ रहा है, नियर का मतलब यहां, तो अब इस नियर अगर इस पे पूछता तब नहीं कोई प्रभाव पड़ता, हाँ इसके नियर पूछा है, देखिए पूछने का ढंग देखिए, देखिए यहां क्या पूछ रहा है,
नियर टू द, हाँ इस पे करना चार्ज में इंक्रीज, ठीक है। तो नियर क्या होगा, तो अब अपने पे तो प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन यहां पे अब इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेंगी, तो बताओ अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब सही बोल रहा है। स्टेटमेंट के सेकंड क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल विल नॉट जीरो। सही बात है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तो इसका मतलब दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है, यानी ए वाला, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी ए बोल रहा है सही। क्या है ए, 46 का ए। 47 क्या कह रहा है, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, फाइंड द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग इट सेंटर ऑन द पेरिफेरी। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक देखो ये स्फीयर है, इसके अंदर किसी रिंग को लगाया गया, ठीक है। तो ये देखो दोनों का सेंटर एक ही है, रेडियस एक ही है, कह रहा है कि इस पर अगर क्यू चार्ज है तो स्फीयर से कितना चार्ज होगा, इस पे क्यू चार्ज है तो स्फीयर से कितना चार्ज होगा, तो देखते हैं भैया इस पे कितना चार्ज होगा। ये देखिए ये आपका क्या दिया गया है, ऐसे है, यही ना है। चलिए भाई तो इसका देखिए कितना पोर्शन, पहले देख लेते हैं कितना सेगमेंट अंदर है। ये देखिए ये कितना डिग्री बनाएगा, 60, क्यों, ये भी रेडियस है, यहां से भी रेडियस जाएगा तो ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये भी कितना बनाएगा, 60 डिग्री, तो कुल कितना हो गया 120 डिग्री। तो हम देख लेते हैं कि इस रिंग का कितना आर्क जो है, कितना आर्क जो है इसके अंदर है, 120 डिग्री का आर्क इसके अंदर है। और आप जानते हैं 360 डिग्री पे कितना चार्ज होता है, क्यू चार्ज होता है, मतलब 360 डिग्री पे कितना चार्ज है, 360 डिग्री पे कितना चार्ज फैला हुआ, क्यू, एक डिग्री पे कितना होगा क्यू बाई 360, 120 डिग्री पे कितना चार्ज फैला होगा क्यू बाई 360 इंटू 120, यानी क्यू बाई कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा क्यू बाई 3। तो ये बताओ इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज हो गया, क्यू बाई 3, अगर इस स्फीयर के अंदर क्यू बाई 3 चार्ज हो गया तो बोलो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये 47 हो गया। 48 देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। हाँ सही बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जीरो, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। सेकंड कह रहा है आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर, हाँ कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस आर इज नॉट जीरो, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सर्फेस इज जीरो, आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सर्फेस ऑफ रेडियस आर लेस देन जीरो इज जीरो, नहीं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सिर्फ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो सेंटर है नहीं आर, लेस देन आर है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है। तो फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, बी वाला सही है इसमें, ठीक है। 49 क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द लॉन्ग वायर यूनिक द काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए लॉन्ग वायर के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्यों भैया, ये क्या होगा इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r या mv स्क्वायर बाय कितना r, r से r कट गया, 2 को इधर लेते आइए, 2 को जब इधर लेते जाएंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू e k लैम्डा या हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब d वाला होगा, कौन सा होगा d, ये जो d है d वाला होगा, e लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी r पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भैया इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, कितना चार्ज होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, ये डिस्क है, ये इसका सेंटर माइनस ए बाई टू जीरो यहां है, इस पे पूरा 6 कूलम है, तो ये बताइए अंदर की तरफ कितना चार्ज होगा, अंदर की तरफ 3 कूलम चार्ज होगा। फिर कहा जा रहा है कि एक पॉइंट ये वाला जो दिया है ये ए बाई फोर माइनस ए बाई फोर है, तो अंदर की तरफ ये भी है ए बाई फोर इधर चलें ए बाई फोर इधर चलें, तो कितना आया इस पे चार्ज, इस पे चार्ज जो आया वो -7 कूलम आया। फिर एक देखिए एक पॉइंट ये दे रहा है -3 ए बाई फोर, तो -3 ए बाई फोर इधर चलेंगे इधर चलेंगे, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ है 3 कूलम, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये ए बाई फोर है, इसका मतलब ए बाई पूरे रॉड का ए बाई फोर पार्ट अंदर है, पूरे पे 8 है, तो अंदर कितना चार्ज होगा 2 कूलम,
और फ्लक्स होता क्या है, क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अंदर की तरफ, देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3 कूलम। फिर कितना हो जाएगा, 2 कूलम। फिर कितना हो जाएगा, -7 कूलम। फिर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। 3, 2, 5, 5 में से 7 जाए, 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया कोई सही है इसमें, तो ये हो गया 50 का ए। तो इस तरह से बेटा 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मिला लीजिए, मिलाकर फिर कोई दिक्कत हो तो फिर मिल लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, आगे कई चीज़ें पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।